नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वीवे यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज पे। SEC चेयर गैरी गेंसलर ने सीनेट हियरिंग में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की SEC की कमिटमेंट को दोबारा क्लियर किया। उन्होंने जोर दौर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और क्रिप्टो मार्केट की तेजी से बढ़ती हुई केयर को हाईलाइट किया। गेंसलर ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म को रेगुलरिटी कंट्रोल के अंडर लाने की जरूरत पर जोर दिया, जिससे कि ट्रेडिंग में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उन्होंने रेगुलरिटी एजेंसी के बीच अधिक सपोर्ट की भी मांग की और डिजिटल एसेट के साथ आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए नए कानून की जरूरत को भी बुलंद आवाज से कहा। आखिर में गेंसलर की गवाही से यह साफ हो रहा है कि SEC मार्केट में इन्वेस्टर की सुरक्षा और मार्केट के इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्रिप्टो स्पेस में एक्टिव सुपरविजन और रेगुलेशन को इन्फोर्स करने का इरादा रखती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। बिटकॉइन ने हाल ही में एक नोटेबल ब्रेक थ्रू किया, जब उसकी प्राइस ने एक डिप खा करके $1,000 का पंप लिया। इस माइलस्टोन तक पहुंचने में क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में रेजिस्टेंस का सामना किया। बिटकॉइन की वैल्यू में उतार चढ़ाव होता रहता है, इन्वेस्टर और एंथुसियास्ट उसके प्राइस के मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं और इस लार्ज सर्च ने उनका ध्यान पकड़ लिया। रेजिस्टेंस के बीच में भी बिटकॉइन की प्राइस ने $1,000 से बढ़ गई, जिससे क्रिप्टोकरेंसी एंथुसियास्ट में उम्मीद और ऑप्टिमिज्म पैदा हुआ। इस सक्सेस ने बिटकॉइन के मार्केट के चैलेंजेस के सामने उसकी मजबूती को दिखाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। डेविड मार्कस, जो एक पहले पेपैल के बॉस थे, उन्होंने बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को बहुत अप्रिसिएट किया है। उनका कहना है कि यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबल पेमेंट को एक नया मोड़ पर ले जा सकता है। उन्होंने समझाया है कि जैसे ईमेल ने फैक्स मशीन को पुराना बना दिया, वैसे ही ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को भी लाइटनिंग नेटवर्क के आने से खतरा हो सकता है। लाइटनिंग नेटवर्क के लाइटनिंग फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट ऑप्शन के लिए लोग एक्साइटेड है, जो कि दुनिया भर में ट्रांजैक्शन को तेज और सस्ता बना सकता है। मार्कस के सपोर्ट से बिटकॉइंस लाइटनिंग नेटवर्क को और भी वेट मिला है और यह दिखता है कि ग्लोबल पेमेंट्स भी अब मॉडर्न एरा में आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, एक फाइनेंशियल कंपनी, उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया है एक बिटकॉइन ETF बनाने के लिए। इस ETF के जरिए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के थ्रू बिटकॉइन खरीदना और बेचने में आसानी हो जाएगी, जिससे उन्हें इस क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करने में मदद मिलेगी। ETF का फायदा यह है कि ये लोगों को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का एक तरीका देता है, बिना खुद क्रिप्टोकरेंसी खरीद कर और स्टोर करके परेशान होने के। इसके साथ ही बिटकॉइन को ट्रेड करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप इसे एक रेगुलर ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की एप्लीकेशन अभी USSEC के रिव्यू में है। अगर इसको मानो तो यह ETF लोगों को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने और क्रिप्टोकरेंसी के मेनस्ट्रीम एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के नए मौके खोल सकता है। लेकिन याद रखें कि क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करना रिस्क वाला काम हो सकता है, इसलिए हमेशा अपना रिसर्च करें और पोटेंशियल रिस्क को समझें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। PayPal ने एक नई सर्विस शुरू की है, जिसमें यूजर्स अब क्रिप्टोकरेंसी को मेटामास्क के थ्रू बेच सकते हैं। मेटामास्क एक पॉपुलर इथेरियम वॉलेट है और ये एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्सटेंशन भी है। PayPal ने पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी खरीदने, रखने और इस्तेमाल करने की सर्विस प्रोवाइड की थी। अब यूजर्स अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स को सीधा मेटामास्क के जरिए बेच सकते हैं, जो उनको डिजिटल एसेट को मैनेज करने में और भी फ्लेक्सिबल और फंक्शनैलिटी देता है। इस डेवलपमेंट से दिखता है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के तेजी से डेवलप्ड होने वाले दुनिया के बीच में एक बढ़ते हुए सिनर्जी है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन एक समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आर्टिस्ट, क्रिएटर और इन्वेस्टर सब इनके पीछे भागे। लेकिन अब ये आर्टिकल इस बारे में बात कर रहा है कि NFT पहले जैसे फेमस नहीं रहे। कुछ डिजिटल एसेट के ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस में गिरावट भी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये आर्टिकल NFT मार्केट में एक नया उम्मीद का भी जिक्र कर रहा है। यह कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में सुधार, रेगुलेशन में क्लैरिटी और अलग अलग इंडस्ट्री में NFT के इस्तेमाल से NFT मार्केट फिर से तेजी से बढ़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। इंडिया ने चैनलिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई है। यह इंडेक्स दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को यूज करने और उसमें इंटरेस्ट दिखाने वाले देशों को रैंक करता है। इंडिया के इस टॉप रैंकिंग से दिखता है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को यूज करने में तेजी से बढ़ने का ट्रेंड है। इंडेक्स में वेरियस फैक्टर्स जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, P2P ट्रेडिंग और दूसरे क्रिप्टो से जुड़े एक्टिविटीज को देखा जाता है। इंडिया की स्ट्रांग परफॉर्मेंस बताता है कि देश ने लास्ट ईयर में क्रिप्टो को अडॉप्ट करने और यूज करने में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। यह डेवलपमेंट दिखाता है कि इंडिया क्रिप्टोकरेंसी की ग्लोबल लैंडस्केप में बढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स बन रहा है और इससे यह समझने को मिलता है कि देश क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में बड़ा रोल प्ले कर सकता है।
इससे ग्लोबल क्रिप्टो लैंडस्केप में भी एक बदलाव दिखाई देता है, जहां पर इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया क्रिप्टोकरेंसी को अडॉप्ट करने और उसमें इनोवेशन लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिरकार इंडिया के चैनलिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में सबसे ऊपर आने से दिखता है कि देश क्रिप्टोकरेंसी में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और डिजिटल एसेट स्पेस का फ्यूचर शेप करने की कैपेसिटीज रखता है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।